मेरे प्यारे बलोच भाइयों, मेरे प्यारे तौसा और दीगर इलाकों के लोगों, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, क्या थे और क्या हो रहे हैं। असल बात यह है कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आज रोशनी हो रही है, रोशनी हम देख रहे हैं कि हम थे मलेरिया के लोग, ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास कोई सड़क आएगी, कोई अस्पताल होगा। इसी तरह दूर दराज के इलाके वाले, उनका भी यही हाल था। अब ये कैसे हो गया, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उस जाते बारी की मेहरबानी है कि उसने अपने इस इलाके को तरक्की की देने की खातिर ये सारा कुछ किया। उस्मान खान मुझे याला बना, लोगों ने कहा कि ये आदमी जो ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखता है, ये क्या कर सकता है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से आपने देख लिया क्या हो रहा है। हमारे बलोच कल्चर में ये शामिल है कि जहाँ जाए गरीब अमीर के साथ मुलाकात करें, उनके काम करें। और इमरान खान ने ये नारा लगाया कि जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, ये दिल खुश कर बात, ये हकीकत वाली बात है। इंशाल्लाह जनूबी पंजाब भी बन जाएगा। और लाहौर वाले, शुमाली पंजाब, ये भी हमारे भाई हैं, हम इनको अपना भाई समझते हैं, क्योंकि जो लोग बीमार हों उनको पहले अस्पताल में दाखिल करो, उनका इलाज करो, जो तंदुरुस्त हों उनका वो ख्याल रखें। यही बात है, हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, इसमें बलोच हों, सराइकी हों, पठान हों, जो भी हो, हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। आज अल्लाह की मेहरबानी से आप देख रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है। इंशाल्लाह ये तरक्की की रफ्तार आगे जाएगी। जो लोग पीछे रह गए थे, इंशाल्लाह उनको भी तरक्की नसीब होगी, वो भी तालीम के जरिए से तरक्की करेंगे, क्योंकि तरक्की के लिए तालीम सबसे बड़ा जरिया है। हमने उस्मान खान को कहा है कि इलाके को, मसलन डेरा गाजी खान है, तौसा है, ट्राइबल एरिया है, जो भी लगे, इन सबको, इस सबके लिए तालीम का बंदोबस्त करो। तौसा में ये कॉलेज था जो कि ग्रेजुएट से आगे नहीं जाता, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट बन गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे काम हुए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरी कोशिश होगी कि जो इलाके पीछे रह गए हैं उनको आगे लाया जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे।